नमस्कार। अगर आप अपने दांतों को स्वस्थ, मजबूत और चमकदार बनाए रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज के समय में अधिकांश लोग अपने दांतों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मजबूत बनाए रखना चाहते हैं और चमकदार बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे खान पान अलग हो गए हैं, खान पान व्यवस्थित नहीं हो रहे हैं, हमारे लाइफ स्टाइल गलत हो गए हैं, जिसके कारण हमारे दांतों में समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर आप इन सभी समस्याओं से बचे रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मेरा नाम देवाशीष रावत है। मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि कैसे अपने दांतों को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें और उसको सफेद बनाए रखें, चमकदार बनाए रखें। वो तरीका, वो माध्यम, वो उपाय बताने वाला हूं, क्योंकि दांत को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? यह सुंदरता का भी प्रतीक है और अगर आपके दांत मजबूत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आप मनपसंद की चीजों को खा सकते हैं, मनपसंद की चीजों को पी सकते हैं। और जब आप मनपसंद चीजों को खाएंगे, मनपसंद की चीजों को पिएंगे, तब क्या होगा? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा और आपके शरीर में ऊर्जा, उत्साह और उमंग बना रहेगा। आप पोषक युक्त चीज खाएंगे और पोषक युक्त चीज को आप पचा पाएंगे। कैसे पचा पाएंगे? क्योंकि पाचन सबसे पहले मुंह से शुरुआत होती है उसकी, और मुंह में सबसे मेन ऑर्गन्स आपको हेल्प करता है पाचन में, वो है दांत। कहते हैं किसी भी चीज को खाइए तो 32 बार चबाइए, लेकिन 32 बार नहीं चबा पाते हैं। क्यों नहीं चबा पाते? क्योंकि दांतों में दर्द होने लगता है, मसूड़े में दर्द होने लगता है और हम थक जाते हैं, हमारे जबड़े में दर्द होने लगता है। इन सभी चीजों से अगर आप बचे रहना चाहते हैं तो अपने दांतों को औलाद की तरह मजबूत बनाइए, स्वस्थ बनाइए और उसको चमकदार भी बना के रखिए। वो तरीका, वो उपाय बताने वाला हूँ। तो चलिए आपको विस्तार से बताता हूँ कैसे अपने दांतों को स्वस्थ, मजबूत और चमकदार, ये तीनों चीजों पे खड़े उतर सकता है आपके दांत और आप अपने दांतों को लॉन्ग टर्म तक, जी हाँ लॉन्ग टर्म तक आप उसको तंदुरुस्त, मजबूत और चमकदार बनाए रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखने का प्रयास करना चाहिए। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। जी हाँ, हम आ गए हैं स्क्रीन पे। हम आज आपको बताने वाले हैं अपने दांतों को कैसे स्वस्थ, मजबूत और चमकदार बनाए रखें, क्योंकि चमकदार बनाए रखना और स्वस्थ बनाए रखना और मजबूत भी बनाए रखना हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है। अपने दांतों की, हम अपने दांतों को मजबूत बनाएंगे, चमकदार बनाएंगे और स्वस्थ बनाएंगे, और आप अपने दांतों को स्वस्थ, मजबूत और चमकदार बनाएंगे। जब यह कैसे हो पाएगा, ये सारे तरीके बताऊंगा और यह हो सकता है टियांस ओरिके टूथपेस्ट के साथ। जी हाँ, टियांस ओरिके टूथपेस्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, उसके क्या लाभ है और आपके दांतों को कैसे स्वस्थ बनाए रख सकता है, मजबूत बनाएगा और चमकदार बनाएगा, उसके बारे में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे और टियांस ओरिकेयर के लाभ को भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे टियांस ओरिकेयर टूथपेस्ट कौन से फ्लेवर में आता है और उसका सही ढंग से इस्तेमाल कैसे करें। इस्तेमाल भी जरूरी है, लाभ भी जरूरी है और उसका टेस्ट भी जरूरी है। तीनों चीज को अगर जान लेते हो, समझ लेते तो आप आसानी से और सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे और सही आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ जैसा इसमें दांत चमक रहा है वैसा दांत आप चमकीला बना के रख सकते हैं और ऐसा ही मजबूत आपके दांत दिखेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं पहले फायदे टियांस ओरिकेयर के। जी हाँ, अगर आप टियांस ओरिकेयर का इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांतों को यह नेचुरल बना के रखेगा। जैसा हमें यंग एज में दिखता है वैसा दांत आपके मजबूत बनाए रहेंगे, चमकदार बनाए रहेंगे और आपका दांत स्वस्थ भी रहेगा अगर आप टियांस ओरिकेयर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फायदा क्या मिल सकता है अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे? दूसरा फायदा होगा कि देख रहे हैं आप आसपास में और आप आपके घर परिवार में किसी को देखेंगे या आपको भी कहीं ऐसा महसूस हुआ होगा कि अधिकांश लोगों को देखा गया है कि बाहर के दांत उसके चमकदार होते हैं, बहुत ही चमकते हैं, बहुत ही एकदम अच्छा दिखता है, लेकिन जैसे हम उसको आ बोलने के लिए बोलिए, मुंह खोल कर बोलिए दिखाइए दांत आ, तो अंदर से जब देखेंगे अंदर में दांतों में सड़न महसूस होने लगते हैं, अंदर में दांतों में सड़न जैसा महसूस होने लगता है और यही सड़न दांतों को भी खत्म करता है, दांतों को खराब करता है, दांतों को गलाता है और मसूड़े को भी गलाता सराता है, जिसके कारण पैरिया जैसी समस्या उत्पन्न होती है, दांतों से खून आने लगते हैं, मुंह से बदबू आने लगते हैं, दांत हिलने लगता है और कुछ भी खाते हैं, ठंडा खाते हैं तो कनकनी लगता है, ठंडा लगता है, गर्म खाते हैं तो तब तकलीफ होती है, ना ठंडा खा सकते हैं ना गर्म खा सकते हैं और कोई कड़क चीज तो बिल्कुल नहीं खा सकते। अगर मोटे दाने की रोटी या मक्के की रोटी बोलिए या बाजरी ज्वारी की रोटी बोलिए, बोलेंगे हमसे नहीं हो पाएगा, तो गेहूं की रोटी सॉफ्ट चीज खाने की कोशिश करते हैं व्यक्ति, क्यों? क्योंकि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मार्केट में जो मिलने वाला जो आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो वो केमिकल युक्त होता है, वो केमिकल धीरे धीरे हमारे मुंह से नीचे की ओर हमारे स्टमक में जाता है और हमारे स्टमक में एसिडिटी बढ़ाता है और इसी एसिडिटी को बढ़ाने के कारण, यही एसिडिटी शरीर में बढ़ने के कारण
आपके दांतों में समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर आपको ये समस्या है या आपके घर परिवार में किसी को है या आपने किसी को जानते हैं या समझते हैं कि इनको ये समस्या हो सकती है, हो रही है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप यहाँ सोरी केयर का इस्तेमाल कीजिए, आपके दांतों में होने वाली समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे फायदे की ओर। तीसरा फायदा क्या दे सकता है ये? जी हाँ, ये इसको गौर से देखिए। अधिकांश लोगों में देखा जाता है किन्हीं किन्हीं के दांतों में दांत क्या होने लगता है, घिसने लगता है, दांतों के शेप गलत होने लगते हैं। यह कैसे हो पाता है? क्योंकि आपके दांतों में धार आने लगते हैं, जैसे चाकू में धार होता है ना, वैसे धार दांतों में धार आने लगते हैं। यह समस्या दांतों में डीजनरेशन हो गया, दांतों में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गया, दांतों में आप जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं मार्केट में मिलने वाला टूथपेस्ट, उसमें जो केमिकल होता है उस दांतों को घिसने लगता है, दांतों को में सड़न पैदा कर देता है या दांतों में वो घिसन उत्पन्न कर देता है, दांतों का शेप अलग हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्या हो जाती है और धीरे धीरे दांत घिसने लगता है, दांतों का शेप गला हो जाता है, तो आप सही ढंग से चबा नहीं पाते हैं और दांतों में और मसूड़े में भी दिक्कतें होने लगती है। उसके अलावा आपको क्या फायदा दे सकता है अगर आप यहाँ सोरी केयर का इस्तेमाल करते हैं तो? वो है आपके दांतों में वो सही रखेगा ही, वो आपके दांतों को सही रखेगा ही, साथ ही साथ आपके मुंह के खुशबू को बनाए रखेगा, मुंह में जो सांस जो आप छोड़ते हैं उस सांसों को भी स्वस्थ बनाए रखेगा। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दांतों में ये सारी समस्याएं हैं, सड़न है या दांतों से खून आता है या उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उनसे अगर आप बात करते हैं तो क्या होता है, मुंह से गंदी बदबू आती है, जिसके कारण हम उससे दूरी बना करके बात करते हैं। तो अगर ये अधिकांश लोगों में देखा जाता है तो वो व्यक्ति पानी कम पीते हैं, उनको गैस बनता है, कब्ज बना रहता है, पेट साफ नहीं होता है, भूख जल्दी लगता नहीं, अच्छे से खाना नहीं खाते और सही ढंग से खाना नहीं खाते, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो ये सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसके साथ साथ मुंह से बदबू भी आता है। अगर मुंह से बदबू को दूर भगाए रखना चाहते हैं, अपने मुंह को फ्रेश रखना चाहते हैं, अपने मुंह को एकदम हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ सोरी केयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं अगले यानी पांचवें बेनिफिट की ओर। पांचवा बेनिफिट है, अधिकांश लोगों में देखा जाता है कि मुंह में एसिडिटी बढ़ने के कारण, यानी आपको अगर स्टमक में एसिडिटी बढ़ा तो वो एसिडिटी वो एसिड धीरे धीरे रिफ्लक्स होकर के मुंह में आता है। जब मुंह में आता है तो दांतों के मसूड़े सड़ने लगते हैं, दांतों हार्डनेस हो जाता है, दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाती है, मसूड़े में सड़न उत्पन्न हो जाती है, मुंह से खून आने लगता है, यानी दांतों से खून आने लगता है। ये सारी समस्याएं से आप बचे रह सकते हैं। कैसे बचे रह सकते हैं? टियान सोरी केयर का इस्तेमाल करके, जिससे आपके दांत स्वस्थ भी बने रहेंगे, नेचुरल भी बने रहेंगे और चमकदार भी बने रहेंगे। ये सारे फायदे हैं किसके? टियान सोरी केयर के। अब बढ़ते हैं छठे फायदे की ओर। छठे फायदे पर बढ़ने से आप पहले आपसे निवेदन करूंगा, अगर अभी तक अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले सिक्स जो बेनिफिट हो देगा ये, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि लोगों को खाने पीने पे कंट्रोल नहीं रखते हैं और ये बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़े सभी के दांतों में कैविटी हो जाती है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, दांतों में होल होने लगते हैं, जिसके कारण ठंडी चीज नहीं खा पाते, गर्म चीज नहीं खा पाते, कोई भी चीज सुपारी भी सात्विक भी खाते हैं तो दांतों में फंस जाता है, जिसके कारण इरिटेशन होने लगता है, बहुत समस्या होती है। फिर किसी नुकीले चीज से उसको निकालते निकालते पता चलता दांतों में इतना बड़ा छेद हो गया और अंदर तक चला गया, जिसके कारण रूट कनाल की समस्या उत्पन्न हो जाती है और आसानी दर्द का सामना करना पड़ता है। तो इन कैविटी से बचे रहना चाहते हैं, आसानी दर्द से बचे रहना चाहते हैं, आज से ही टियान सोरी केयर का इस्तेमाल कीजिए और अपने दांतों को स्वस्थ, मजबूत और चमकदार बनाने के दिशा में पहला कदम उठाइए। जी हाँ, चलते हैं अगले सेवेंथ बेनिफिट की ओर। सातवां बेनिफिट क्या हो सकता है? अगर आप अपने दांतों को लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक यानी ज्यादा दिन तक आप इसको मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, तो आप इसका सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे और आपको यह बेहतरीन बेनिफिट देगा। इसके साथ साथ बढ़ते हैं आठवें बेनिफिट की ओर। आठवां जो फायदा है, आठवां जो बेनिफिट है वो देखिए, अधिकांश लोगों को देखा जाता है कि मसूड़े में सूजन आ जाता है, मसूड़े में इन्फ्लामेशन हो जाता है, मसूड़े से आगे से खून बहने लगता है या पस भर जाता है। ये सारी समस्या हो जाती है गलत तरीके के पेस्ट इस्तेमाल करने से, और गलत तरीके के मार्केट में मिलने वाले पेस्ट का इस्तेमाल करने से, क्योंकि वो केमिकल युक्त होता है, जिसके कारण आपके मसूड़े में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर इस इन्फ्लामेशन से बचे रहना चाहते हैं, ऐसी समस्या से अगर आप बचे रहना चाहते हैं, आज ही आप टियान सोरी केयर घर में लाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। और उसको मंगाना चाहते हैं, टियान सोरी केयर को कैसे मंगाएं, घर बैठे मंगाना चाहते हैं, सबके लिए मंगाना चाहते हैं, तो यहाँ जो नंबर दिया गया है 9823570496 पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं नौवें फायदे की ओर। जी हाँ, नौवें फायदे की ओर बढ़ते हैं। नौवां फायदा क्या हो सकता है?
अगर आप अपने मसूड़े को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, जिससे आप गन्ना हो या अखरोट हो या बादाम हो या काजू हो या चना हो, कुछ भी चीज आप खा सकते हैं, क्योंकि लोगों को देखा जाता है, उनको बोलो मूंग अंकुरित अन्न भी खाने के लिए बोलते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे मसूड़े में दर्द होने लगते हैं। गन्ना तो अधिकांश लोग नहीं खा पाते हैं, अच्छे मजबूत चीज नहीं खा पाते हैं, अच्छे जो मजबूत फल होते हैं, यहाँ तक एप्पल लोग नहीं काट के खाना पसंद करते हैं। क्यों? बोलते हैं हमारे मसूड़े में सूजन आ जाएगा, मसूड़े में दर्द होने लगेगा, दांतों में तकलीफ होने लगेंगे। ये सारी समस्या बहुत ही भयावह हो रही है हमारे समाज में, जिसके कारण हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सही चीज को चबा नहीं पाते, सही चीज खा नहीं पाते, सही चीज खाएंगे नहीं, सही चीज को चबाएंगे नहीं, तो क्या होगा, हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हुई हो जाएगी और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाएगा, तो हमें कॉन्स्टिपेशन, गैस और एसिडिटी के समस्या बढ़ने लगेगी। और मार्केट में जो मिलने वाला हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो केमिकल है ही, वो केमिकल हम किसी न किसी रूप में हम अंदर ले रहे हैं, हम अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवा रहे हैं, जिससे शरीर में और सारे भयावह समस्या हो सकती है। क्योंकि मार्केट में जो मिलने वाला टूथपेस्ट होता है, आप सोच के देखिए, आप कभी इंटरनेट पर सर्च करिए कि उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या क्या उसमें कंटेंट मिले होते हैं, जब आप उसको जानेंगे समझेंगे, बोलेंगे हम बिना ब्रश का रह सकते हैं, बिना टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके रख सकते हैं, उंगलियों से दांत साफ कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में मिलने वाला हम टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, इतने डेंजर होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं। तो क्यों ना अपने दांतों को स्वस्थ रखें और अपने मसूड़े को भी स्वस्थ रखें और उसको तंदुरुस्त बना के रखें और अपने दांतों को चमकीला भी बना के रखें। यह जरूरी है, क्योंकि हमें मुंह को भी सही रखना है और दांतों को भी सही रखना है, और मुंह और दांतों के संयोग से ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से शुरुआत होती है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको सही रखेंगे अपने दांतों और मसूड़े को, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा, आपका पाचन भी सही रहेगा। ये सारे जानकारियां, ये सारे बेनिफिट आपको हमने दिया। अगर इसमें से कोई भी फायदा अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोई भी चीज आपको नहीं पता था और इसका इस्तेमाल करने से ये फायदा आपको मिल सकता है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके फ्लेवर कौन से होते हैं। जी हाँ, फ्लेवर भी जरूरी है, ये मिंट फ्लेवर का आता है। मिंट मतलब, कोई बता सकते हैं मिंट का मतलब क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइएगा। पुदीना मार्केट में, जिसको हम या गांव की भाषा में या अपनी क्षेत्रीय भाषा में उसको पुदीना बोलते हैं, ये पुदीने का फ्लेवर का होता है। ये बेहतरीन होता है, आपके मुंह को एकदम तरोताजा बना के रखता है, एकदम अच्छे फ्लेवर आपके मुंह में बना रहता है। अब हम बात करेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जी हाँ, इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मात्रा छोटी लेनी है, मात्रा कम लेनी है। ज्यादा मात्रा लेने से कोई फायदा नहीं, ज्यादा फायदा नहीं होगा, ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो थोड़ी मात्रा में लीजिए, इसको अच्छे तरीके से ब्रश कीजिए, अंदर भी कीजिए, ऊपर भी कीजिए, बाहर भी कीजिए, ऊपर नीचे अच्छे तरीके से कीजिए, और इसको 2 से 3 मिनट आराम से या 5 मिनट तक इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको 2 टाइम करना है, सुबह और शाम। सुबह और शाम करते हैं तो क्या होता है, रात में जो खाना खाते हैं तो रात में जो आपके दांतों में बैक्टीरिया और जो भी प्रॉब्लम हुए वो दांत रात में, सुबह में आप ब्रश कर लेंगे तो फायदा होगा। लेकिन आप रात को सोने से पहले अगर आप करते हैं तो पूरे दिन में जो आपने खाना खाया, जो अन्न आपके दांतों में अटक गया हो, क्योंकि कहते हैं विष बहुत ही बड़ा होता है, अन्न के विष न आपके दांतों को सड़ाता है, गलाता है और आपके मसूड़े को भी कमजोर करता है। उससे अगर आप बचे रहना चाहते हैं, अपने दांतों को स्वस्थ मजबूत और तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं, चमकदार बनाए रखना चाहते हैं, आज से ही टियांस ओडी करके इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए रखने की दिशा में पहला कदम उठाइए। तो आप इसको घर बैठे मंगा सकते हैं, उसके लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और इसमें क्या कंटेंट मिला होता है उसकी जानकारी आप अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके आसानी से जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट मिले होते हैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने दांतों को स्वस्थ, मजबूत और चमकदार बनाकर रखिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं किसी अन टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में।